प्रोजेक्टाइल मोशन। टॉपिक आज का ये है, इस पर क्या करने हमने न्यूमेरिकल्स। इसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जो एनसीईआरटी के हैं, कुछ होंगे जो नीट में पहले आ चुके हैं, एक अच्छी सी कलेक्शन है न्यूमेरिकल्स की। तो करते हैं हम कैसे हम लोग करने हैं, एक एक करके जब निकालोगे तो तुम्हें पता चलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो पहला न्यूमेरिकल लिखो, क्या करना है, फार्मूले लिखने हैं, फिर जो गिवन में लिखा है वो लिखना है, और फिर देखो हमें क्या निकालना है, और देखो कौन सा फार्मूला उसमें यूज़ होगा, और ट्राई करो। तीन चार मिनट दूंगा तुम्हें ट्राई करने के लिए, उसके बाद अगर नहीं निकलेंगे तो मैं एक एक चीज़ के करके मैं खुद करवा दूंगा, ठीक है। लिखो शाबाश, फार्मूले कौन कौन से लगेंगे इसमें। देखो टाइम का, हाइट का, रेंज का, ये फार्मूले तुम्हें पहले से आने चाहिए, मैक्सिमम तो यही यूज़ होने वाले हैं ना, टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला, टाइम का फार्मूला, रेंज का फार्मूला, ये तीनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्या टाइम का फार्मूला, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी, है ना। हाइट का क्या है, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइड बाई टू आई जी। रेंज का क्या है, यू स्केयर साइन टू थीटा बाई जी, ठीक है ना। लिखो इनको साइड पे यार, क्या ही करना है। देखो तीन फार्मूले हमारे पास, क्या क्या फार्मूला है, टाइम का क्या है, टू यू साइन थीटा, यही है ना, डिवाइड बाई जी। हाइट का क्या है, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइड बाई ट्वाइस जी, है ना। और क्या है रेंज का, इसका क्या आता है, आर इजिकल टू यू स्केयर साइन टू थीटा होता है इसमें ना, साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी, है ना। बस बस इतना सा काम है ना, ये ख्वाब आपका पूरा हो जाएगा अभी न्यूमेरिकल्स निकालने का। गिवन में क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी। दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, हैं, एंगल दिया हुआ है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें यही हैं, कोई भी फार्मूला देख लो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है इसमें। आप चाहे टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला देखो, आपको एक तो चाहिए यू, है ना। अगर प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन में इसने इनिशियल वेलोसिटी दे दी और आपको एंगल दे दिया, तो समझो आपको सब कुछ मिल गया। इनिशियल वेलोसिटी का पता चल गई है, एंगल पता चल चुका है, तो मतलब सब कुछ ही पता चल चुका है। कैसे, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट में भी आपको क्या चाहिए, यू का पता होना चाहिए और थीटा पता होना चाहिए। जी पहले से पता है, और न्यूमेरिकल्स करते टाइम आप इसकी वैल्यू 10 लिख सकते हो, ठीक है। एच का भी यू पता होना चाहिए, थीटा पता होना चाहिए, यू पता होना चाहिए, थीटा पता होना चाहिए, जी तो पता ही होता है, हर एक चीज़ सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, तीसरी निकल जाती है। तो गिवन में दे रखी है आपको, आई थिंक आपसे निकल जाएगा, है ना। सबसे पहले क्या करो, जो गिवन में है ना वो लिखो, ठीक है, लिखो, करो ट्राई। सबसे पहले क्या लिखो, देखो क्या क्या दिया इसने, क्या ही दिया, एक दिया इसने थीटा, एक दिया इसने इनिशियल वेलोसिटी। हाँ देखते हैं, अब करते हैं ना यहाँ से भी, देखते हैं आता है। थीटा दिया, थीटा कितना दिया, पहले थीटा करो लिखो, कितना दिया थीटा, 30 डिग्री। और क्या दिया गिवन में, यू दिया, कितना दिया यू, 20 मीटर पर सेकेंड। अगर ये यूनिट्स में कोई चेंज होती ना, किलोमीटर दिया होता है, मीटर कुछ और दिया होता, तो तुम्हें पहले से एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है। उसके बाद ये जो आ गया आपका गिवन में जो आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका गिवन, क्वेश्चन ने क्या दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको देखो क्या करना है, द टाइम एट विच द बॉल रीच द हाइएस्ट पॉइंट, यानी कि आपको एक हिसाब से क्या निकालना था, टाइम ऑफ असेंट निकालना था। तो उसके लिए आपको पता है फार्मूला क्या होता है, टी बाई टू शुड बी किसके बराबर आना चाहिए, यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी, है ना। अब क्या ही करना है बताओ, सिंपल सी बात कि नहीं है, सिंपल सी बात। अब आपका सब गिवन ही है सब कुछ, टी बाई टू क्या वैल्यू आएगी, यू की वैल्यू कितनी दी इसने, 20, साइन थीटा कितना दिया, 30 डिग्री, डिवाइड बाय जी कितना है, मान लो 10, तो टी बाई टू यही निकालना है हमको, टी बाई टू निकालना है यहाँ पे पहले वाले पार्ट में। तो बताओ कितना आएगा ये, 20 साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 डिवाइड बाय 10, तो कितना आंसर आया बताओ, 1 ही आया, ये कैंसिल, कितना आया, टी बाई टू, यानी कि आप कह सकते हो टाइम ऑफ असेंट, ऐसे नहीं टू से मतलब कर देना कि यही निकालना था पूरा पूरा, हमने टी बाई टू ही निकालना है, टाइम ऑफ असेंट
कितना आया, कितना आया, वन सेकंड, एक ही सेकंड में ये हाईएस्ट पॉइंट में पहुंच जाएगा, है ना, कितना आसान। करो, अगर जिन्होंने नहीं किया वो उतार सकते हैं, जिन्होंने किया वो उनके लिए क्लैपिंग है, बहुत अच्छी बात है अगर आप कर पा रहे हो। कर लिया, अगला करें, मिटा दूं मैं इसको, मिटाऊं, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला क्या बोलता है, क्या बोल रहा है, गिवन को ऐसे रखेंगे, बोलता है मैक्सिमम हाइट निकालो। बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल्स, अभी तो टफ में गए ही नहीं हम, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल न्यूमेरिकल्स निकाल रहे हैं जो बड़े सिंपल से होते हैं, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को समझ के उस तरह के न्यूमेरिकल्स को हम पहले तो डील कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करना है बताओ, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला सेकंड पार्ट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला देखो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय ट्वाइस जी। तो जाहिर सी बात है यू स्क्वायर मतलब कितना है, 20 है ना, हाँ 20 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर मतलब 30 डिग्री डिवाइड बाय 2 इंटू 10, कर लो उसको, 20 कितना आएगा, एच इज इक्वल टू 400, सॉल्व करो उसको, वही 1/2 कितना हो जाएगा स्क्वायर, इसका क्या आएगा 20, कितना आया बताओ, कितना आंसर आया, 20 आया, करो ना यार, 400 1/4 डिवाइड बाय 20, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, कितना आया फिर 10, 5 आया है ना, 5 मीटर आया है ना, 5 आया ना, है ना, कितना आसान, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल, जिन्होंने नहीं किया कर सकते हैं, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है। अगला करें, मिटा दूं, चलिए अगला क्या बोलता है, क्या निकालो, सिंपल है यार, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, पता तुम्हें फार्मूला क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। तो जाहिर सी बात है यू स्क्वायर मतलब कितना यार, यू 400 पहुंच गया, 20 का स्क्वायर, ये कितना है साइन, अब बन गया 60 डिग्री, 2 थीटा है ना, 30 डिग्री इंटू 2, 60 डिग्री आ गया डिवाइड बाय 10, विच इंप्लाइज आर की वैल्यू, बताओ क्या आएगी, साइन 60 कितना होता है बताओ, 40 इंटू कितना आता है, रूट 3/2, कितना आया आर की वैल्यू, कितनी आई बताओ, कितना आया 20√3 मीटर, चलिए निकल गई रेंज भी। अब अगला तो खुद कर लो यार, टाइम ऑफ फ्लाइट है, असेंट निकालना ही है, जो टाइम ऑफ असेंट आया उसी का डबल आएगा सीधा आंसर, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा 2 सेकंड, ये तो करो भाइयों बहनों, ये तो करो, एक को तो करो कम से कम, इतने आसान आसान न्यूमेरिकल दे रहे हैं आपको, ये नहीं निकल रहे हैं, कैसे कम चले कर रहे हैं। एंगल दिया 60 डिग्री, यू दिया 250 मीटर पर सेकेंड, बस करो, डू इट फास्ट। क्या दिया हुआ है, नहीं निकला, अब देखो क्या करना है, क्या बोला उसने, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर है, मतलब एच आर के बराबर है, एच की वैल्यू क्या है, क्या फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय ट्वाइस जी, आर का क्या फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। अब सोचो हमें क्या करना था, हमें निकालना कैसे भी करके एंगल, हमारा मेन मकसद है एंगल तक पहुंचना। तो पेन कहाँ गया मेरा, अच्छा यहाँ है, हाँ तो देखो क्या करेंगे हम, यहाँ दिख रहा है यू और यू कैंसिल हो रहा है, कर देंगे, जी और जी कैंसिल हो रहा है, कर दो, फिर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बचा डिवाइड बाई 2, यहाँ क्या बचा, साइन 2 थीटा बचा, हमने पहुंचना है एंगल तक, कैसे पहुंचेंगे यार, अगर अगर यहाँ पे भी ये एंगल सेम होता ना इसका, इसका और इसका, फिर भी कुछ कर सकते थे, लेकिन ये ट्वाइस थीटा, ये थीटा है, तो यानी कि यही चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ट्वाइस थीटा, तो क्यों ना इसी को कुछ ना कुछ चेंज किया जाए, इसको कैसे बदल सकते हैं बताओ, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2, इसको ऐसे नहीं लिख सकता मैं 2 sin θ cos θ, ये तो फार्मूला होता है भाई साहब साइन 2 थीटा का, तभी मैं बोल रहा था ना आपको, अब यहाँ तक पहुँच चुके थे तो मुझे लगा कि यहाँ तक थोड़ा सा कर सकते हो, अब देखो क्या ही करना है, ठीक है, ये कितना आ जाएगा,
ये साइन ये स्केयर कैंसिल, तो बन जाएगा तुम्हारे पास इस तरफ साइन थीटा है ना, और डिवाइड बाय टू, यहाँ क्या बचा टू कॉस थीटा है ना, ये समझ आया। अब क्या करोगे आप, ऐसे कर दूँ मैं साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा टू इंटू फोर आ जाएगा यहाँ पे है ना। अगर यहाँ तक समझ आ गया तो भाइयों बहनों आगे क्या बचा फिर, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है भाई, ये तो टैन थीटा बन गया, कितना आया फोर। हमें क्या निकालना है, हमें तो थीटा निकालना है, तो निकालो थीटा, थीटा कितना आया टैन इनवर्स फोर, ख़त्म स्टोरी, बस इतना सा ख्वाब है ना, कितना आसान। जो इसने कंडीशन दी थी ना उसी कंडीशन में इसका आंसर था, थोड़ा सा हमें सोच विचार करने की ज़रूरत थी। हाँ यहीं पे अटकना था तुम लोगों, यही है ना। तभी मैं बोलता हूँ ना, तुम लोग पहले ट्राई करोगे तभी तो कुछ तक तुम्हें लगेगा कि हाँ यहाँ तक किया, यहाँ से आगे नहीं आया। जब ट्राई नहीं करोगे तो फिर क्या ही समझ आएगा तुम्हें, कुछ भी समझ नहीं आएगा। एक और दूँ, कर लो उसको पहले, एक और देते हैं फिर तुम्हें, नीट का ही देंगे एक और क्वेश्चन। पॉइंट बी पे क्या वेलोसिटी होगी वाई एक्सिस में बताओ, पॉइंट बी पे वाई एक्सिस में क्या वेलोसिटी होनी है, पॉइंट बी पे वाई एक्सिस पे क्या वेलोसिटी होगी, क्या तुम्हें डिफरेंस नज़र आ रहा है इसमें बताओ। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, यही फर्क है। तो पॉइंट ए पे अगर वेलोसिटी आपकी 2i कैप प्लस 3j कैप है, जब ये अपवर्ड मोशन में है तो फिर डाउनवर्ड मोशन में जब आ रहा है तब क्या फ़र्क होगा वाई एक्सिस में, बस माइनस, यार इसमें क्या करना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन आया है नीट में, ख़त्म। 2i कैप माइनस 3j कैप, कहता कि ए पॉइंट पे जब बॉडी ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप, बोलते जब बी पॉइंट में बॉडी नीचे आ रही है बताओ अब क्या वेलोसिटी है इस बी पॉइंट पे, यार वो डायरेक्शन ही बदली उसकी, बाकी पॉइंट तो देखो ये सेम है ना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस देखो यहाँ पे, तो ए बी पॉइंट सब बाकी सब कुछ सेम, तो डायरेक्शन में फ़र्क, वो भी कौन सी डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो ये क्वेश्चन था, कितना ईजी क्वेश्चन था नीट में जो आया था।